आई हूँ कबीर। तो कहना क्या चाहूँगा कि मैं बॉलीवुड से एक पार्ट ऑफ अ बॉलीवुड, मैं एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर काम कर रहा हूँ यहाँ पर, और मैंने मराठी 3-4 फिल्में की, माझी सावत, माझी बहन, चल धमाल, वंचित। रिसेंटली अभी मैंने एक फिल्म की है व्यवस्था, जो इलाहाबाद में शूट हुई है पूरी फिल्म, और उसमें आशुतोष कौशिक हैं। उस फिल्म का म्यूज़िक मैंने किया है, गाया मैंने, और उस फिल्म के अंदर मैं सेकंड लीड एक्ट किया मैंने। बाकी मैं इस आज के प्रोग्राम से मुताल्लिक ये कहूँगा, जिस तरह का कदम इन लोगों ने उठाया है, मैं खुद यूपी से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन बड़ा अच्छा कदम है जो उन लोगों ने उठाया है। इन लोगों ने जोड़ने की कोशिश की है और हमारे बीच में उन शहरों को लेकर आए, कुछ पुराने लोग हैं, कुछ नए लोग हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा इनका एक अटैम्प है। तो मैं दुआ करूँगा अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। और ये ट्रस्ट बहुत सारे काम बड़े अच्छे कर रहा है, स्कूल्स के बच्चों के लिए कभी ना कभी प्रॉब्लम्स रहती है, उनको फीस दे रहे हैं, उनको बुक्स दे रहे हैं, मेडिकल्स के लिए लोग काफ़ी सारी हेल्प कर रहे हैं। तो ये इतने सारे हेल्प कर रहे हैं, मैं इनके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह इनको कामयाब करे और इसी तरह के शो ये हमेशा करते रहें। देखिए होता ये है कि APJ अब्दुल कलाम साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करें, राष्ट्रपति थे, लेकिन थे वो साउथ से, राइट। तो कहीं ना कोई उठता है। सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ से उठे थे, उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई। उस जमाने में जब ये कहा जाता था कि इंग्लिश को काहे के लिए आप इंडिया में लेकर आ रहे हैं, और ख़ासतौर से मुस्लिम के लिए, तो कोई भी कहीं से उठता है समझे, लेकिन जो जहाँ से उठता है वो वहीं से अपना काम शुरू करता है। रोशनी छोटे से बल्ब से होती है जो एक दीवार पर टंगा होता है, लेकिन वो पूरे कमरे को रोशन कर देती है। तो ज़रूरी नहीं है कि UP या छोटा सा शहर बिजनौर, छोटा कुछ नहीं होता, बिजनौर ने बहुत बड़े बड़े लोग दिए, छोटा सा शहर है, लेकिन वो एक रोशनी, एक सूरज की जैसा निकला है। अभी एक पहली किरण है, अभी देखिए इंशाल्लाह आएगा वक्त तो पूरे सूरज की तरह चमकेगा और इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान को क्या पूरी दुनिया को रोशन। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और अच्छे नेक काम के लिए है, यानी कि गरीबों की मदद करते हैं बिजनौर में और बाकी इलाकों में, तो दिस इज़ वेरी नाइस। और बाकी वहाँ एक अरोड़ा साहब हैं, बाकी डॉक्टर वगैरह हैं, जिन्होंने मुझे बताया कि वाकई तालीम और ज्ञान भी ये लोगों को देते हैं, मतलब स्कूलों में भेजते हैं, कॉलेज वगैरह में, और बहुत ही नेक काम है, न सिर्फ बिजनौर के लिए, UP के लिए, बल्कि मुझे लगता है कि अगर ये काम जारी रहे तो हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैंने अपनी तकरीर में कह दिया है कि जब भी मेरी ज़रूरत महसूस करें तो मैं इनकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इन्हीं की नहीं बल्कि आप और भी लोग आए हैं जिन्होंने बताया मुझे कि ओल्ड एज होम चला रहा है, तो कुछ चला रहा है, तो वो हमारा फ़र्ज है। और मैं हमेशा, जैसे हमारे वालिद साहब थे, पिताजी थे, वो भी बड़े देशभक्त थे, हिंदुस्तान से बड़ा प्यार था, यहाँ के आवाम से बड़ा प्यार था। जो भी मुझसे हो सकता है कि वो मेरा करना मेरा फ़र्ज है, कर्तव्य है, और मैं आखिरी दम तक करता रहूँगा। और इनका मैं ख़ास तौर से शुक्रगुजार हूँ, क्या गाया इन्होंने और क्या इन्होंने सबका दिल बहलाया है, और बड़ी खुशगवार शाम है।